वेलकम टू विदान किचन। आज मैं चूड़ा नमकीन बनाने जा रही हूँ। तो ये नमकीन मैं इंस्टेंट रेडी कर रही हूँ क्योंकि मैं सफर में इसे लेके जाऊंगी। तो देखते हैं इसके लिए हमें चाहिए। मैं ग्रीन चिली ली हूँ, मैं इसे फ्राई करूंगी, और हींग, जीरा, धनिया, सौंफ हो तो आप सौंफ ऐड कर सकते हैं। ये करी पाउडर है, मैं करी लीव्स यूज नहीं कर रही हूँ। चाट मसाला, बूंदी रेडीमेड बूंदी है, चूड़ा है पतला वाला, और मूंगफली। बस इतने में मैं नमकीन रेडी करूंगी। तो ऑयल हमारा हीट हो गया है, तो मैं सबसे पहले उसमें मूंगफली फ्राई करके बाहर निकाल लूंगी। मूंगफली अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, अभी ये हम बाहर निकाल लेंगे। अब हम ऑयल में धनिया और जीरा डालेंगे, जो कि मैं थोड़ा सा क्रस्ट कर दूंगी अपने हाथों से। आप चाहे तो फूट कर डाल सकते हैं। ग्रीन चिली डाल दूंगी। साथ ही नमक डालूंगी, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। हल्दी, अच्छी तरह से फ्राई करते हैं। मिर्च अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और सारी चीजें अच्छे से रोस्ट हो जाए तब तक फ्राई करेंगे। अब हम करी पाउडर ऐड करेंगे। और इसी में अपनी बूंदी ऐड कर देंगे। थोड़ा रोस्ट हो जाए फिर हम इसमें चिवड़ा ऐड कर देंगे और रोस्ट करेंगे। बूंदी हमारा रोस्ट हो गया है, अच्छी तरह से मिक्स हो गया है करी पाउडर में। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे पोहे। और इसे मिक्स करते जाएंगे। लो फ्लेम पे इसे मिक्स करना है ताकि चूड़ा जो है जले ना और अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। चूड़ा हमारा अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे बाहर निकाल लेंगे। थोड़ा करके फ्रेंड्स, अब मैं चिवड़ा में मूंगफली ऐड करूंगी। आपको मैं मिक्स करके दिखा रही हूँ और इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करूंगी
जितना आपको टेस्ट लगे जरूरत हो, ज्यादा नहीं, और इसे इस तरह से मिक्स कर लूंगी। ये हमारा बूंदी चिवड़ा नमकीन रेडी है इस तरह से। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, और प्लीज मेरे चैनल विदान किचन को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट में मुझे बताइए। तो फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी देखने के लिए थैंक यू।